हेलो डॉक्टर। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड डॉक्टर। डॉक्टर, आज मैं आपके पास अपने कुछ डाउट क्लियर करने आया हूँ। बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, क्या डाउट है आपके? डॉक्टर, देखिए मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है और ना ही मैं किसी खास रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन मैंने सेक्स के बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनी है। अफवाहें? किस तरह की अफवाहें? जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज्यादा सेक्स करना हार्मफुल होता है, और कुछ लोग बोलते हैं कि सेक्स करना हेल्दी होता है। एग्जैक्टली फैक्ट है क्या? आपने बिल्कुल सही किया यहाँ, ये डाउट क्लियर करना एकदम जरूरी है। सप्ताह में अगर 7 से ज्यादा बार सेक्स किया जाए तो ये एवरेज से ज्यादा हो जाता है, लेकिन अगर सप्ताह में 2 या 3 बार सेक्स किया जाए तो ये एवरेज में रहता है। जैसे कि हनीमून पीरियड में कई बार सेक्स हो जाता है, लेकिन ये गलत नहीं है, बल्कि सेक्स तो एक अच्छा माध्यम है एक कपल को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन क्या कोई ऐसा टाइम भी है जब सेक्स नहीं करना चाहिए? मैंने तो ये भी सुना है कि इसके बारे में सही जानकारी ना हो तो रिलेशनशिप खराब हो जाता है। जी हाँ, कभी कभी परहेज करना भी चाहिए। अगर आपके पार्टनर की इच्छा नहीं है सेक्स करने की, तो आपको जबरदस्ती सेक्स नहीं करना चाहिए, बल्कि आप फ्रीक्वेंसी नेगोशिएट कर सकते हैं। और अगर आपका पूरा ध्यान सेक्स पर ही टिका हुआ है तो वो भी गलत है। अगर आपको ये लगता है कि सेक्स करने से ही आप अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर सकते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, बल्कि सेक्स में बैलेंस सेक्स का होना बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, हाँ लेकिन मेरी बहुत सारी लड़कियां दोस्त हैं, कभी कभी नाइस डे भी हो जाता है, लेकिन हमेशा एक भय लगा रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या शादी से पहले अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए, ये तो आप पर डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं जो शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, और कुछ लोग होते हैं जो शादी से पहले काफी बार शारीरिक संबंध बना चुके होते हैं। अब ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसको क्या सही लगता है और किसको क्या नहीं। और हाँ, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि अगर आप सिंगल हैं और आप ज्यादा सेक्स कर लेते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आपकी सेहत के लिए वो हार्मफुल हो, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना होगा कि अगर आप एक से ज्यादा महिलाओं के साथ सेक्स करते हैं तो इसमें एसटीडी का शिकार होने की संभावना होती है, लेकिन उस दौरान आप प्रोटेक्शन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्डम। अगर आप मैक्सिमम टाइम सिर्फ सेक्स पर ही फोकस कर रहे हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल भूल चुके हैं, वहां आपका फोकस है ही नहीं, दिस इज द प्रॉब्लम। क्या एज के बढ़ने के साथ ही सेक्स की फ्रीक्वेंसी में भी कुछ बदलाव आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। काम वासना की इच्छा हमारे एज के हिसाब से बदलती रहती है, और जिसका रिफ्लेक्शन आप अपनी लाइफ और रिलेशनशिप में देख सकते हैं। इसीलिए हमेशा सेक्स बैलेंस में होना चाहिए, लेकिन अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि वो अनबैलेंस्ड हो रहा है तो थोड़ा सा समय ले लेना चाहिए। डॉक्टर, सेक्स करने का एक लिमिट तो होगा ना? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आसान भाषा में बोलो तो अगर आप सेक्स के लिए डिनर स्किप कर सकते हैं, डेजर्ट छोड़ सकते हैं, डांस, फ्रेंड्स, सब कुछ छोड़ सकते हैं, तो इट इज टू मच। तो क्या एक तरह से ज्यादा सेक्स करना एबनॉर्मल होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो नॉर्मल है और हेल्थी भी है। ये तो एडल्ट लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट है, बल्कि साइंस तो ये भी सजेस्ट करता है कि सेक्स मूड को इम्प्रूव करने के साथ साथ दिमाग की टेंशन और स्ट्रेस को भी रिड्यूस करने में मददगार है। तो डॉक्टर, एवरेज सेक्स क्या होना चाहिए? आंकड़ों के हिसाब से 18 से 29 एज वालों के लिए साल में 112 बार सेक्स करना एवरेज माना जाता है। 30 से 40 तक की एज वालों के लिए 86 टाइम एवरेज माना जाता है, बट इट डिपेंड्स। ओके, तो डॉक्टर, ये तो आपने एवरेज सेक्स की बात बताई, लेकिन हेल्दी सेक्स क्या होता है? ज्यादातर कपल जो रिलेशनशिप में होते हैं वो सप्ताह में एक बार सेक्स करते हैं, और सप्ताह में एक या दो बार सेक्स करना हेल्दी माना जाता है। लेकिन डॉक्टर,
मेरे फ्रेंड बताते हैं कि वो अपनी वाइफ के साथ सप्ताह में कई बार। कोई बात नहीं, शादी के शुरुआती दिनों में कपल सिर्फ एक दूसरे के बारे में ही सोचते हैं, और अगर उस दौरान सेक्स ज्यादा हो भी जाता है तो कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन हाँ, महिलाएं आमतौर पर अपनी परेशानी बहुत जल्दी से नहीं बताती। वुमेन की बॉडी हमेशा इंटरनली लुब्रिकेटेड नहीं होती है, तो उस दौरान सेक्स पेनफुल हो सकता है। डॉक्टर, मैंने कहीं पे सेक्स ऑब्सेशन के बारे में पढ़ा है। अगर रेगुलर सेक्स करना हेल्दी है तो ये ऑब्सेशन क्या है? सही सवाल पूछा आपने। इसे हाइपरसेक्सुअलिटी भी बोलते हैं, कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर। सेक्स एडिक्शन अभी भी डिबेट का विषय बना हुआ है। देखिए, अगर कोई भी काम हद से ज्यादा किया जाए तो वो नुकसानदायक होता है। इसी तरह अगर सेक्स भी हद से ज्यादा किया जाएगा तो आप में कमजोरी आ जाएगी, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाएगा, आपके बाल झड़ने लगेंगे, आपकी आंखों की रोशनी वीक होने लगेगी, आपका लोअर बैक पेन होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ तक कि आप में यूटीआई की भी प्रॉब्लम हो सकती है। चांसेस बहुत कम है, इंसान इंटरकोर्स के दौरान हार्ट अटैक का शिकार भी हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर, आज क्लियर हुआ ये सब। वेलकम। अगर इसके बाद भी आपको कोई परेशानी होती है या आपके दिमाग में कोई डाउट्स आते हैं तो आप कभी भी आ सकते हैं। परेशानी को मन के अंदर रखने से अच्छा है कि उसका सलूशन ढूंढ लिया जाए। और जिसके लिए आप हैं, राइट? थैंक यू। वेलकम।